आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को एक न्यू प्रॉपर्टी, लग्जरी प्रॉपर्टी बेसिकली द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर लॉन्च हुई है, उसके बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें डिस्क्राइब करने वाला हूँ। और बुकिंग ओपन है अभी, जिसको भी अप्लाई करना है आप अप्लाई कर सकते हो। प्राइसिंग बहुत नॉमिनल प्राइसिंग है, ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है, मतलब बीच में कह सकते हो आप, मीडियम प्राइसिंग। और बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे, अभी आपको मेरे सामने जो दिख रहा होगा ये कंप्लीट द्वारका एक्सप्रेसवे का पैच है। इस साइड अगर चले जाते हैं तो ये आपका दिल्ली आ जाता है, और अगर इस साइड चले जाते हैं तो ये आपका गुड़गांव का सेक्शन आ जाता है। ये जो आपको सामने जितनी भी फेंचिंग वगैरह दिख रही है, ये सारी M3M ग्रुप ने ही कर रखी है। प्रोजेक्ट का नाम अभी है कैपिटल, आई थिंक डिसाइड हुआ है, कन्फर्म नहीं है, बट अभी जो डिसाइड हुआ है वो कैपिटल ही डिसाइड हुआ है। ये जो सामने आपको लोकेशन दिख रहा है, ये कम्प्लीट इसका लोकेशन है। ये जितनी भी आपको सामने दिख रही है, ये पीछे की साइड ये SCO है, और ये वाली जो आपको लोकेशन दिख रही है ये आपकी सोसाइटी की है, मतलब बेसिकली यहाँ पे फ्लैट्स बनेंगे। पीछे की साइड से आपको पता है वो SCO है। इस साइड आपको जहाँ तक भी ये नज़र जा रही है, मतलब बेसिकली लास्ट वाली फेंचिंग तक, वहाँ तक ये आपका कंप्लीट रेजिडेंशियल रहने वाला है। और इस साइड आपको पीछे जो यहाँ तक आपको टीला दिख रहा है, इस साइड वहाँ तक, मतलब वहाँ तक रहने वाला है। टोटल अगर लैंड की बात करूँ तो टोटल तो इसकी बहुत ज़्यादा लैंड है, मतलब नियर अबाउट 65 एकड़ की लैंड है। बट अभी 65 एकड़ लॉन्च नहीं कर रहे हैं, अभी लॉन्च ये सिर्फ कर रहे हैं 15 से 20 एकड़ के अराउंड लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें 2.5 और 3.5 BHK लॉन्च करने वाले हैं, जो कि इस वाली लोकेशन में होने वाला है। वो आप साइट पे आओगे तो मैं आपको एग्जैक्ट समझा दूंगा, तो वो इस लोकेशन पे होने वाला है सामने। और ये वाली लैंड अदर लैंड है, मोस्ट प्रोबेबली इस लैंड को कोई बड़ा बिल्डर ही परचेज करेगा अपने कमर्शियल के लिए, क्योंकि ये भी अच्छा है, मतलब बिल्कुल बैंग ऑन एक्सप्रेस वे पे आ जाता है। इस साइड की अब थोड़ी आसपास की चीज़ों के बारे में आप लोग को डिस्क्लोज कर देता हूँ, क्या है क्या नहीं। आपको इस साइड जो दिख रहा है ये है पूरी का एमरल्ड वे प्रोजेक्ट है, काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, फैमिलीज का, अच्छी खासी फैमिलीज इसमें रह रही हैं। इसके पीछे आपका कैपिटल ग्रीन है, और ये एक्सप्रेस वे तो आपको पता ही है, बिल्कुल बैंग ऑन एक्सप्रेस वे, ये एक्सप्रेस वे की रोड हो गई। पीछे आपका ये हो गया सोसाइटी, यहाँ पे से एंट्रेंस होगी इसकी, मतलब बिल्कुल एंट्रेंस जो है बिल्कुल एक्सप्रेस वे से होगी, कोई पीछे नहीं है, कोई ज़्यादा आगे नहीं है। ये आपका अपना फ्लाईओवर का मतलब काम दिख रहा होगा आपको, पीछे पूरी एमरल्ड वे, उसके पीछे आपका कैपिटल ग्रीन। इस साइड की अगर बात करूँ तो ये जो आपको दिख रहा है ये SCO है। SCO के पीछे इस साइड आपको अगर दिखाऊँ मैं यहाँ पे, ये जो है ये टाटा लावेडा प्रोजेक्ट है, सेक्टर 112 आता है वो। और इस साइड अगर आपको यहाँ पे, ये वैसे दिखेगा नहीं, इस कैमरे में बेसिकली जूम होता नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखा देता। ये सारा टाटा के ही प्रोजेक्ट हैं, ये सारे यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं ये सारे टाटा के प्रोजेक्ट हैं। एक प्रोजेक्ट अगर आपको यहाँ से दिखे, ये जो प्रोजेक्ट आपको वैसे सनलाइट की वजह से नहीं दिखाया, बट फिर भी हाई राइज जो बिल्डिंग दिख रही है, ये है विंचेंस का प्रोजेक्ट है, एक्सपेरियन का विंचेंस प्रोजेक्ट है। ये भी काफ़ी अच्छी सोसाइटी है, मतलब अगर कॉन्सेप्ट आप इसका जाके देखोगे तो ओनली वन इन नॉर्थ इंडिया है, मतलब उसको आप कह सकते हो। और यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है M3M ने, जो कॉन्सेप्ट यहाँ लेके आए हैं, ये इनका बेसिकली गोल्फ स्टेट का कॉपी कह सकते हो आप, गोल्फ स्टेट को कॉपी करके यहाँ पे लॉन्च करने वाले, मतलब एज इट इज़ गोल्फ स्टेट नहीं होगा बट ऑलमोस्ट उसको ही कॉपी करके उसकी सारी एमिनिटीज़ आपको सेम एज इट इज़ यहाँ पे मिलेगी। तो एक छोटा सा अपडेट था साइजेस वगैरह के लिए, अगर कोई डिटेल आपको चाहिए स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप नंबर पे कॉल कर सकते हो, नहीं तो व्हाट्सएप छोड़ सकते हो, डिटेल्स वगैरह मैं आपको सारी व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर दूंगा। अगर कोई अदर क्वेरी हो प्रोजेक्ट से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड ऑन एक्सप्रेस वे, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, नहीं तो कॉल कर सकते हो। पीछे जो गांव लगता है, इस गांव का नाम है बजगीड़ा गांव, बिल्कुल आपकी सोसाइटी के पीछे नहीं लगता, सोसाइटी से थोड़ी सी दूर पे है, SCO के पीछे कह सकते हो आप। SCO के पीछे बजगीड़ा थाना लगता है पहले, मतलब बजगीड़ा का पुलिस स्टेशन है, उसके बाद फिर आपका गाँव लगता है। तो एक छोटा सा अपडेट था कि मतलब M3M ग्रुप ने हाई एंड लग्जरी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है बैंग ऑन एक्सप्रेस वे, और बजट आपका वही 1.3 CR के अराउंड बैठता है। इस बजट में आपको ही पता है एक्सप्रेस वे पे अभी कोई अच्छी चीज़ नहीं है, बैंग ऑन एक्सप्रेस वे अच्छी चीज़ नहीं है। और इस साइड का तो मेरे को आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है, दिल्ली के साइड क्या है क्या नहीं, उसके लिए भी मैं एक एक्सप्लेनेशन वीडियो, बहुत अच्छी सी वीडियो एक बना के प्रेजेंटेशन आप लोग के लिए रेडी करूँगा कि दिल्ली के साइड यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आने वाली और क्या क्या नहीं आने वाली। तो एक छोटा सा वीडियो था, अगर चैनल पे नए हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आप अपने थॉट्स बता सकते हैं। अब मिलता हूँ आपको अगले किसी वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल लेटर।